अलंकार और ताल के लूप्स पहले भी एक वीडियो में दे चुका हूँ, जिसमें कि जो हमारी सारी ताले हैं, जो प्रारंभिक 6 ताले हैं, उनको मैंने ठाह, दुगुन, तिगुन, चौगुन, 1 से लेकर 8 की 8ों लयों में, 8 गुने तक मैंने उन्हें प्रैक्टिकली वर्बली जो है उनका रेसिटेशन किया है, ताकि उनके साथ आप जो है रियाज़ कर सकें, उनके लूप्स के साथ आप रियाज़ कर सकें। उसी तरह से कुछ और लूप्स मैंने बनाए हैं जो कि अलंकार के होंगे। साथ हमारे जो बेसिक अलंकार हैं उनके कुछ लूप्स बनाए हैं, उनके साथ आप कैसे रियाज़ कर सकते हैं पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि कहाँ आपको मिल सकते हैं वो लूप्स और कैसे आप उनकी उनसे हेल्प ले सकते हैं। मेरा यार तू, मेरा प्यार तू। तो जैसा कि आपने अभी अभी टीज़र देखा, जल्द ही 15 नवंबर को आ रहा है मास्टर निशात प्रोडक्शंस पर। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें उस चैनल को और ज़रूर देखें और शेयर करें गीत। तो आइए अब बात करते हैं लूप्स पर, जिनकी मैं बात कर रहा था, जिनका मैंने आपको थोड़ा सा भी जिक्र किया। देखिए, लूप्स एक बेहतर तरीका है जिसके साथ आप रियाज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी गुरु के पास नहीं जा रहे हैं और उनके रूबरू बैठ के, जो सीना बसीना विद्या जिसे कहते हैं, वो नहीं ले रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होता है रियाज़ करना, बहुत मुश्किल होता है सही रियाज़ कर पाना, क्योंकि आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रियाज़ अगर करना है तो मेट्रोनोम के साथ कीजिए, लय का रियाज़ कीजिए, ताकि क्या है, आपकी लय एक फिक्स्ड गति में जा रही है तो आपको मालूम है कि हाँ ये सही ही हो रहा है, है ना। मैनुअली किसी के साथ करने से बेहतर है आप मशीन के साथ करें। उसी तरह से स्वर का रियाज़ भी जो है, अगर उसके लिए प्रैक्टिकली आपको वीडियोज़ या लूप्स मिल जाएँ साथ में करने को, तो कितना बेहतर होगा। तो वही मैंने सोचा, और हमारे जो 7 प्रारंभिक अलंकार हैं, सारे गम पध नि सा और सा सा रे रे ग ग म म, या सारे ग रे ग म ग म प म प ध, या फिर सारे ग म रे ग म प रे ग म प, या सारे ग म प रे ग म प ध, ऐसे करके जो 7 हमारे अलंकार है प्रारंभिक, जो हमारी किताब जो है स्वरांगिनी उसमें भी दे रखे हैं, वो 7 अलंकार अगर आपको ठाह से 8 गुने तक की लय में बजाने हों तो कैसे आप बजाएंगे। यानी एक ही अलंकार को आपको 8ों लय में बजाना है। पहला अलंकार गाया सिंगल में, फिर 2 गुन में, फिर 3 गुन में, फिर 4 गुन में, ऐसे करते करते जब आप उनका रियाज़ करते हैं तो लय जो है स्वर पक्ष से भी आपकी मजबूत हो जाती है। फिर राग गायकी में कोई दिक्कत आती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फिर आपको सिर्फ टेक्निकलिटीज समझनी है कि राग का चलन कैसा है, या उसके स्वर को लगाने का तरीका कैसा है, लगाव कैसा है सुर का, है ना, वो ज़्यादा कोमल है या थोड़ा तीव्र है, कैसा लगाना है, वो आपको सिर्फ वहाँ ध्यान रखना होता है। और जो उसका स्ट्रक्चर है उसको ख्याल रखना है कि किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या गायकी करनी है, आकार की तान या स्वर की तान लेनी है, कैसे लेनी है, ख्याल को कैसे गाना है, तिहाइयाँ कैसे लेनी, वो। लेकिन स्वरों को लयों में पिरोना फिर वो आपके लिए कोई समस्या नहीं बनती है, क्योंकि आपने अलंकारों को जो है अच्छे से किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बेहतरीन मदद हो सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब वो 7 अलंकार आपको कैसे अवेलेबल होंगे, गूगल ड्राइव पर मैंने वो सब अपलोड कर दिए हैं, सारे लूप्स जिनमें मैंने कीबोर्ड पर बजाया है, क्योंकि उसको मैं अच्छे से अरेंज कर सकता था सारी लयों में एकदम फिक्स्ड बार टू बार, तो मैंने कीबोर्ड पर वो सारे अलंकार बजाए हैं। और उनका जो है मैंने बाइफरकेशन जो है वो थोड़ा आसान कर दिया आपके लिए। मैंने जो पहले जो लूप्स डाले थे ताल के, उसमें एक समस्या आप लोगों की तरफ से भी आई थी, और मैंने भी ये सोचा, क्योंकि मैंने वो 1 से 8 गुने तक की सारे लूप्स एक साथ दे दिए थे आपको। यानी दादरा पढ़नी है तो ठा से लेकर 8 गुन एक ही वीडियो है पूरा का पूरा। लेकिन जब हम किसी को सिखाना शुरू करते हैं तो जाहिर बात है कि 1 से 8 गुना एक बार में तो उससे हम करवा नहीं सकते, वो नहीं कर पाएगा स्टूडेंट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले ठाह 2 गुन सिखाते हैं, फिर ठाह 2 गुन 4 गुन सिखाते हैं, ठाह 2 गुन 3 गुन 4 गुन सिखाते हैं, ठाह 2 गुन 3 गुन 4 गुन 6 गुन सिखाते हैं, ऐसे करके एक एक लय बढ़ाते हैं। तो वो सारे लूप्स मैंने उसी अनुसार जो है वो सिस्टमैटिक बांट दिया। अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर यही काम मैंने तालों के साथ भी किया, ताल और अलंकार दोनों के साथ मैंने ये काम किया है कि आप उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे सीख सकते हैं। अब उन लूप्स के साथ रियाज़ करने से पहले इंडिविजुअली उस लय को समझना, उसके लिए भी मैंने वीडियोस बना दिए हैं ऑलरेडी, जो आपकी स्क्रीन पे अभी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये वो प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने हर एक लय को अच्छे से समझाया है, भले वो ठाह हो, फिर 2 गुन हो, फिर 3 गुन हो, फिर 4 गुन हो। तो इंडिविजुअली पहले उस लय को आप सीखिए, फिर उस लय में ये तालें और ये अलंकार जो हैं आप रियाज़ कर सकते हैं। जो भी SPW से जुड़ा हुआ है, जो उनके सिलेबस से, हमारे सिलेबस से सीख रहा है, जो हमारा ऑनलाइन स्टूडेंट है, है ना, उसको तो ये लूप्स बड़े हम वैसे भी अवेलेबल करा ही देते हैं, लेकिन जो हमसे ऑनलाइन नहीं सीख पा रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, जिसने क्लास ज्वाइन नहीं करी है, उनके लिए, जो खाली हमारे यूट्यूब के वीडियोस के जरिए सीखते हैं, उनके लिए मैंने ये लूप्स बनाए हैं, ताकि उन तक भी ये चीज़ पहुँच सके, ये मदद हो सके। तो आइए एक बार हम स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, गूगल ड्राइव का ये लिंक है, ये 7 अलंकार के लूप्स हैं, ये 6 तालों के लूप हैं। आप अगर तालों के लूप्स वाली, ये जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे,
इन पर जब आप खोलते हैं तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये ताल X1, X2, ताल X1, X2, X4, इनका मतलब है लयकारी। X1 यानी ठाह, X2 यानी दोगुन, है ना। सबसे पहले तो आप ये 6 तालों की ये वाली PDF है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, जिसमें मैंने की सारी तालें जो हैं ठाह से अटगुन में लिखी हुई। ये दादरा है, दादरा की ठाह दोगुन तिगुन चौगुन, है ना, चौगुन पाँचगुन सातगुन आठगुन। फिर ये रूपक है, रूपक की भी इसी तरह लिखी हुई है। ये कहरवा है, कहरवा की भी इसी तरह पूरी लिखी है। झपताल की भी पूरी तरह लिखी है, इसी तरह सभी तालों की लिखी है। फिर आप इन ऑडियोज़ को देखें तो सबसे पहले ठा और दोगुन का जो है लूप्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये दादरा के सिर्फ ठा और दोगुन के 10-10, 20-20 मिनट के ये लूप्स हैं, तो इनके साथ आप रियाज कर सकते हैं। ये दादरा का ठा दोगुन का, एक ताल का ठा दोगुन का, ये सारे MP3 हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे ठा दोगुन के बाद क्या आना चाहिए, ठा दोगुन चौगुन, तो ये वो आ गया, है ना। पहले आप इंडिविजुअली जो है इंडिविजुअली चौगुन को सीख लीजिए, फिर ये लूप्स आपके काम के हैं। उसी तरह से ये देखिए ठा दोगुन तिगुन चौगुन का आ गया। फिर ये ऐसे ही जाते जाते आप देख रहे हैं ठा दुगुन तिगुन छगुन आठगुन तक का आया, फिर पाँचगुन सातगुन का भी इंडिविजुअल है, यानी इसमें सिर्फ ठाह और पाँचगुन होगी, इसमें ठाह से लेकर अठगुन होगी। और यही सारा चीज़ जो है आपके अलंकारों में भी अवेलेबल है। ये देखिए, पहले आप अलंकार की PDF देख लीजिए, हमने 7 अलंकार जो कौन कौन से इसमें बताए हैं उनको मैंने लिख दिया है। हिंदी में भी लिखा है ये 7 अलंकार, इंग्लिश में भी लिखे हैं 7 अलंकार। और इन्हीं के साथ आप जो है इनके ऑडियोज़ भी जो हैं वो अवेलेबल हैं, ये सारे इनके MP3 हैं। अलंकारों का ठा दोगुन का लूप है, और ये सब पहली काली से मैंने इसमें बजाए हुए हैं, तो आपको बजाने का भी इसमें साथ में रियाज हो जाएगा और गाने का भी हो जाएगा। ये ठा दोगुन चौगुन का है, ठा दोगुन तिगुन चौगुन का है, ठा दोगुन तिगुन चौगुन छगुन, फिर ठा दोगुन तिगुन चौगुन छगुन आठगुन, फिर ठा और पाँचगुन, ठा और सातगुन, और फिर आता है आखिर में ठा से लेकर अठगुन तक का। तो ये सारे लूप्स आपके लिए अवेलेबल हैं, इनका आप अच्छे से रियाज कर सकते हैं। तो इन लूप्स को डाउनलोड कीजिए और अपने फ़ोन में सेव कीजिए और इनके साथ रियाज कीजिए। देखिए, लूप्स के साथ रियाज करने से क्या है, आपकी लय जो है मजबूत हो गई, आपका स्वर जो है मजबूत हो गया। जल्द इसी तरह मैं और भी लूप्स लाने वाला हूँ जिसमें 10 थाटों का रियाज होगा, मॉर्निंग वोकल रियाज होगा, जिनके साथ आप रियाज कर सकें। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेक्चर वीडियोज़ तो मैं देता ही रहता हूँ जिसमें टॉपिक्स में अलग अलग एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ अगर आपके लिए मिल जाए जिसके साथ आप कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखते रहें इसी तरह संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को, और मेरा यार तू उसको ज़रूर सुनिए, उसको ज़रूर शेयर कीजिए। हरिजा पांडे मेरी सिस्टर का गाया हुआ वो गीत है, मेरे पिताजी का लिखा हुआ और कंपोज्ड वो गीत है, जल्द आने वाला है मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पर। शुक्रिया।